तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखना और समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कैसे पहचाने, तो इन चीज़ों से साधारण से आप अपनी आँखों से देख करके, उनकी सांसों का क्रियाओं का पता करके पता चल जाता है। और जीव जो आप देखते हो कि जीवा को कुछ लोग बाहर निकाल लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति वाले साधक भी निकाल लेते हैं, पहचान कैसे हो, उनकी जीवा तालु के अंदर चली जाएगी अपने आप जो ध्यान साधना में लगे हुए हैं, ज़्यादा समय के लिए बाहर नहीं रह सकती, अपने आप क्रिया होगी, अंदर जा कर के तालु से चिपक जाएगी। लेकिन उनकी इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो ये साधारण सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप किसी की भी पहचान कर सकते हो, कौन साधक है, कौन जीव परमात्मा के रास्ते के ऊपर है, कौन जीव वहीं फंसा हुआ है, साधारण से पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हम साधना की तरफ ना बढ़ करके इन छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा मान लेते हैं, और जो बड़ी वस्तुएं हैं उनको छोटा मान लेते हैं, और फिर साधना से दूर हो करके, ध्यान से दूर हो करके, परमात्मा से दूर हो करके हम फंसे रहते हैं, और इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं, न निकलने की मंजिल पता है, न रास्ता होता है, न समझ होती है। और गुरु तो आप पता ही, आपको किस प्रकार से मनमाने गुरु बना करके और बुरी तरह फंसे रहते हैं, उससे ना आपका कल्याण होगा, ना आपकी आत्मा जागृत होगी, ना आपको कुछ मिलेगा, ना भाव मजबूत होगा। और जो ये परमाणुओं से अणुओं से बना हुआ शरीर है, ये भी आपके कुछ काम नहीं आएगा, और ऐसे ही हम इसको गंवा देंगे, खो देंगे, और ये समाप्त हो जाएगा, न आपको होश आएगा, न इसका कुछ समाधान होगा। आत्मा वहीं की वहीं छटपटाती और इधर उधर भटकती हुई योनियों के अंदर घूमती रहेगी, और उसका इसी प्रकार से सारा सब कुछ चलता रहेगा, और ना कल्याण जीव का, और भ्रम में फंस करके फिर अनेकों अनेक योनियों के अंदर अनेकों अनेक नदी।
प्रकार की मेहनत की, उसी प्रकार की लगन की, उसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? कुछ लोग कहते